बुझाएंगे और एक बार फिर बुझाएंगे। AG-30 से आगे है, इस लिहाज से कि 82-10 जो हमने आपको मुगलपुरा लोकोमोटिव वर्कशॉप में दिखाया था, तो आज ये आपको मैं कराची लोकोमोटिव शेड में दिखा रहा हूँ। 10 में से मार्क्स देने हों परफॉर्मेंस वाइज तो कितने देंगे? अगर इसको खाना पूरा दिया जाए तो 10 में से 10 मार्क्स है इसके। 10 में से 10 ज़बरदस्त सर, ये अभी 8 नॉच के ऊपर है। 8 नॉच इकबाल साहब, आपने 8 नॉच तक आइडल पे हमें इसको नॉच अप करके दिखाया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। फ्रेम में आपको AG-MU-30 82-10 लोकोमोटिव नज़र आ रहा है। आज मैं आपको AG-MU-30 का रिव्यू दूंगा और एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि AG-MU-30 जो है वो मेरा फेवरेट लोकोमोटिव है। उम्मीद है आपको AG-MU-30 का जो रिव्यू है वो पसंद आएगा। तो यहाँ हम जो इकबाल साहब हैं लोको फोरमैन, उनसे बात करेंगे और उनसे जो है हम AG-MU-30 का जो डिटेल्स हैं और जो उसकी वर्किंग है उसके बारे में मालूमात लेंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया, और उसको लाइक करें। तो प्लीज़ स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। सर, आज हम आपसे AG-MU-30 जो लोकोमोटिव है उसकी डिटेल्स लेंगे, तो काइंडली आप हमें इस लोकोमोटिव की जो बेसिक डिटेल्स हैं उसके बारे में बताएँगे। तो मुझे आप सर इसका बता दें कि ये जो हेंशेल EMD लोकोमोटिव है, इसके अंदर जो प्राइम मूवर है, इसका जो इंजन लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है? इसके अंदर जो डीजल इंजन जो है वो तो जो 1985 में आए थे वही है, E365C 645 EMD जी और E3C है। ये E3C है, ये थोड़ा मॉडिफाइड है पावर असम्बली के लिहाज से। पहले E3 थे, फिर उसके बाद उन्होंने E3C किया इसको रिहेबिलिटेशन के अंदर, और ये इसकी मतलब एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए है। और इस वक्त एफिशिएंसी इनकी इस तरह है कि हमारे जो ये माशाल्लाह से जो एफ शेड्यूल ड्यू होता है उनका जो दौरानिया है वो 1 साल का है, 1 ईयर, जबकि ये 7.5-8 महीने के दौरान ही अपना 2 लाख किलोमीटर कर लेते हैं, जिनमें इनकी मतलब एफिशिएंसी आप ज़ाहिर है नोट कर सकते हैं और इनकी वर्किंग भी। और इनका जो किलोमीटर पर फेलियर है वो माशाल्लाह से 80,000 किलोमीटर के बाद इनका फेलियर एवरेज आ रहा है। तो यही एफिशिएंसी देखी जाती है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, फेलियर्स कितने हैं, किलोमीटर्स कितने अर्न करने हैं। तो इस तरह ये हमारा बेहतरीन फ्लीट है जो इस वक्त मेन पैसेंजर सर्विस को डील कर रहा है। और आप जो इसका फर्स्ट पुट इन सर्विस है, फर्स्ट पुट इन सर्विस तो 1985 की है इसकी, 1985 पर। उसके बाद 2014 में रीहेबिलेट हुए, 2014 में रीहैब हो गए। डेट में ये है कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है, जदीद तकाजों के तहत जो है ना इसको इलेक्ट्रॉनिक मॉडिफाइड किया है, और तमाम स्टार्टिंग सिस्टम से लेकर ब्रेकिंग सिस्टम तमाम जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डील होता है, मैकेनिकल भी है इलेक्ट्रॉनिकली भी है, और तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हो जाती हैं इसके अंदर। तो इसका जो फ्यूल कंजप्शन का आपको आइडिया है कि अगर ये शालीमार के साथ लग के लाहौर तक जाए तो अंदाजन कितना फ्यूल? तकरीबन जो है 3,500 लीटर जो है ना इसका डीजल खर्च होता है अगर ये यहाँ से लाहौर तक जाए। और इसका जो इकोनॉमिकली होता है कि रेशो बहुत ही अच्छा है, मुनासिब है इतनी सर्विस के बाद भी, क्योंकि 1985 से तकरीबन अब देखेंगे 15 और 20-35 साल इनको होगी लाइफ, उसके बावजूद जो है ना इनका रेशो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो लोकोमोटिव की एफिशिएंसी देखी जाती है वो ल्यूब ऑयल वर्सेज फ्यूल ऑयल देखा जाता है, कि अगर एक लोकोमोटिव आपका 3,500 लीटर खर्च कर रहा है तो आपका जो लुब्रिकेंट है वो कितना जला रहा है इसके अंदर, वो माशाल्लाह विद इन जो है ना 0.8 इसका रेशो आ रहा है एवरेज में। तो ये बहुत अच्छा तसव्वुर किया जाता है। तो सर मुझे इसका इंजन का बताएं, क्योंकि जो मेरी नाकस मालूमात है ये 16 सिलेंडर 2 स्ट्रोक ट्विन टर्बो चार्जर का इंजन है।
यही है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो है ना जो टर्बो सुपर चार्जर है वो चार नाच के बाद जो है ना इंगेज होता है और इसकी कम्बशन बहुत अच्छी है। और डीजल इंजन की जो सबसे खासियत है वो ये है कि आप जब इसको 360 डिग्री पे घुमाते हैं मैनुअल एग्जामिनेशन के लिए तो आप तमाम इसके पिस्टन रिंग्स और तमाम इसके ओरिंग्स वगैरह तमाम एग्जामिनेशन हो जाते हैं, जबकि दूसरे लोकोमोटिव दूसरे टाइप की जो डीजल इंजन है उनमें बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, आप हर चीज़ को एट ए टाइम नहीं देख सकते, जबकि इसके अंदर जो है ना पूरा 360 डिग्री जब आप उसको घुमाते हैं रिवॉल्व करते हैं तो तमाम चीज़ें इसकी देख लेते हैं, ताकि ग्लो बाई भी आ जाती है उसके अंदर, आप लुक्स तमाम कम टाइम में कम लेबर खर्च करते हुए आप ज़्यादा एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो सर इसमें जो टू स्ट्रोक लुब्रिकेंट ऑयल है वो कौन सा यूज़ करते हैं, किस ग्रेड का होता है? हमारा पाकिस्तान रेलवे का स्टैंडर्ड है TBN 13 HVI। क्या ग्रेड क्या होता है सर उसका? जो है ना TBN 13 का जो तहत उसकी जो वैल्यू है आपकी 13 है ना? हाँ जी 13 है। अच्छा सही है 13 है। और विस्कोसिटी लेवल जो है हाई विस्कोसिटी इग्निशन है ये सही है इसकी, क्योंकि मतलब हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर पे चलते हैं आप, गर्मियों के दिनों में 55 डिग्री एम्बियंट टेम्परेचर होता है तो ताकि इसके डीजल जो ऑयल है इसको आग ना लगे तो हाई विस्कोसिटी इग्निशन इसको किया गया है। सही है। अच्छा इकबाल साहब जो HGMU 30 है इसका जो फ्यूल टैंक है उसकी कितनी कैपेसिटी है? इसकी 8,000 लीटर कैपेसिटी है और सेफ कैपेसिटी जो है वो 7,500 है। और लोकोमोटिव का जो वेट है वो कितना है? इसका 120 टन वेट है और आपका जो है ना 20.something जो इसका एक्सल पर एक्सल लोड 20.22। ये HGMU 30 अभी वर्किंग करके आया है आई थिंक, तो इसकी ग्रीसिंग वगैरह की जा रही है यहाँ पे। सर ये वर्किंग करने जा रहा है या वर्किंग से आया है अभी? वर्किंग से आया ही है। वर्किंग से आया है, किस ट्रेन से उतरा है? ये मिल्लत से। मिल्लत से सही है। तो ये क्या लगा रहे हैं आप इस पर? ये इसमें ऑयल लगाते हैं ताकि ये ठोकर लगती है अंदर बाल स्प्रिंग है ना इसके। ग्रीसिंग कर रहे हैं आप? ग्रीसिंग कर रहे हैं। सही है। अभी आप HGMU 30 का रिव्यू देख रहे हैं और 8210 जो हमने आपको मुगलपुरा लोकोमोटिव वर्कशॉप में दिखाया था, रिहैबिलिटेशन इसकी मेंटेनेंस हो रही थी वहाँ पे, रिपेयर किया जा रहा था, तो आज ये आपको मैं कराची लोकोमोटिव शेड में दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह ये रिपेयर हो गया और वर्किंग इसकी जारी है। सामने आपको HGMU 30 का कैब नज़र आ रहा है, इसकी सीट है। तो अभी हम इकबाल साहब से जो है इसका रिव्यू लेंगे और जो कंसोल्स हैं उसके ऊपर जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये असिस्टेंट ड्राइवर की सीट है और ये के साथ अलर्टर बेल और हॉर्न वगैरह की बटन्स भी लगे हुए हैं। इकबाल साहब आप हमें जो HGMU 30 का जो कंसोल है उसके बारे में थोड़ा मालूमात दें कि यहाँ पे क्या क्या ये जो डायल्स लगे हुए हैं इनका क्या काम है और ये जो ऑपरेशनल हैंडल्स लगे हुए हैं ये किस तरह हैं, इस तरह ऑपरेट होते हैं? जनाब अर्ज ये है कि मेन कंसोल के अंदर हमारे पास इसके अंदर स्पीड के लिए है, रिवर्सर है, मिसाल के तौर पर ये आपका जो है ना नॉचिज़ है कि आपके जो भी एक आइडल से लेकर इस वक्त जो ये आइडल पे है ठीक है, और ये आपका रिवर्सर है, गाड़ी को अगर आगे चलाना है तो आगे करेंगे और अगर पीछे चलाना है तो इसको पीछे करेंगे ठीक है ना। न्यूट्रल का मतलब जब गाड़ी आप आइडल खड़ी करेंगे तो इसको न्यूट्रल में होना चाहिए, इसको आइडल होना चाहिए
और इसके जो कंट्रोल ब्रेकेट है जनरल फील्ड का, ये ऑफ होना चाहिए ताकि इंजन को, ये दोनों स्विच जो है इंजन रन और जनरल फील्ड के, ताकि इसकी करंट ऑफ हो जाती है, ट्रैक्शन मोटरों को करंट ना मिले और इंजन मूव ना हो आगे, ये इसकी सेफ्टी वो है। ब्रेक लगी होनी चाहिए। ये जब लोकोमोटिव अकेला होता है तो उसकी जो है ना A9 हैंडल से जो है ब्रेक लगाई जाती है, सही है। और जब अगर ट्रेन के साथ होता है तो इसको नहीं लगा सकते, और यहाँ से ब्रेक एप्लीकेशन देंगे ग्रेजुअली, ये नीचे वाली से, नीचे वाली से इसको जो है ना ट्रेन एप्लीकेशन इससे देंगे, सही है। अगर हम चलती ट्रेन में A9 से अगर हम इसको ब्रेक लगाते हैं तो इसी तरह जैसे मोटरसाइकिल में अगला ब्रेक लगा दिया और आपका जो है ना वो इंजन फ्रंट व्हील के ऊपर ज़्यादा जोर आएगा, फ्रंट व्हील पे यानी लोकोमोटिव पे जोर आएगा और पीछे का मोमेंटम बरकरार रहेगा, ट्रेन को नहीं लगेगा तो वो इसको पुश करेंगे और हो सकता है कि आपकी जो मोमेंटम अगर ज्यादा हो तो कोचिज एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। यानी कि सॉरी टू कट यू, अगर हम इस हैंडल को यूज करेंगे ट्रेन के साथ, हाँ जी ट्रेन के साथ, तो वो जो ट्रैक्शन है ट्रेन की वो खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, इससे सिर्फ इंजन पे ब्रेक आती है। तो ये सिर्फ जब इंजन अकेला रन कर रहा होता है तब यूज, तब यूज होता है, ये नहीं होता। इसके साथ जो है ना ये S9 है और ये A9 है। मसला ये होता है कि आप जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है ना प्रोपोर्शनली ब्रेक इंजन पर भी आते हैं, ट्रेन के साथ साथ इस पर लोकोमोटिव पर भी ब्रेक आते हैं इससे, जबकि सिर्फ सिंपल लोकोमोटिव पर ब्रेक आते हैं। सही है। इस तरह है, यहाँ आप गेजेस आते हैं तो जितना आप स्पीड देते हैं तो इसकी पावर जो है ना मल्टीप्लाई इनटू 100 जो है इसकी पावर यहाँ से शो करती है कि भाई कितने जनरेटर से करंट आउटपुट मिल रही है आपकी। सही है। ये आपका लूब ऑयल प्रेशर की गेज बताती है कि इस वक्त आपका कितना प्रेशर है बार के अंदर। सही है। ये आपका फ्यूल प्रेशर बताता है कि कितने प्रेशर है। अगर आपकी कोई ट्रेन पार्टिंग लाइट आ गई, कोई ग्राउंड रिले आ गया, तमाम जो है ना ये लाइट्स हैं और तमाम गेजेस हैं कि आपका क्या फॉल्ट आ रहा है, सही उसी हिसाब से उसकी रेमिडियल एक्शन किया जाए। ये मकसद ये ब्लिंक करेगी लाइट। जी जी ब्लिंक करेगी। अच्छा। ये आपका जो है ना एक अलार्म होता है, डेड मैन जिसे कहा जाता है ना, अगर आपकी जो है ना ड्राइवर तस्वीर कर लिया जाए कि 55 सेकंड तक अगर वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता है तो लोकोमोटिव इसका कंप्यूटर सेंस करता है कि ड्राइवर मुर्दा हो गया। सही है। उसके लिए एक बीप बजती है, अलर्टर जो बजता है, ठीक है ना। अगर उसको 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपने उसको किसी चीज़ को भी, जैसे आपका स्क्रीन सेवर होता है, आपने नॉचिज ऊपर नीचे कर दिए, आपने साइलेंस का बटन दबा दिया, ठीक है ना, किसी चीज़ को भी अगर आप टच करते हैं तो वो समझता है आप जिंदा है। सही है। तो वो उसको रीएक्टिव एक्टिव हो जाता है वो। ओके। अदरवाइज जो है ना वो उसको फिर पेनल्टी आ जाएगी। पेनल्टी का मतलब यहाँ पर जो है ना PCS की लाइट ओपन हो जाएगी और ऑटोमेटिक जो है ना इंजन आइडल होके और ब्रेक लग जाएंगे। ब्रेक लग जाएंगे, ब्रेक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत ना। और अगर अलर्टर आपने पुश करना है बार बार कुछ टाइम के बाद, वो कौन सा बटन होता है? वो जनाब ये बटन, वो ये वाला बटन आपका, ये बटन है। अच्छा, यहाँ पे, यहाँ पर भी बटन है। ये आपका जो है ना वो आपका अलार्म बेल है, ये जो, ठीक है जी जी, ठीक है ना। और ये और इसका हॉर्न नहीं है इसका ना सर, बजाएंगे और एक बार फिर बजाएंगे। ये वाइपर होते हैं इसके ना, ये बारिश वगैरह में जो है ना पानी पानी नहीं है तो वैसे ये भी नहीं चलेगा। सही है। वॉकी टॉकी जो है ना, ये तमाम जो कंसर्न जैसे इस वक्त कैंट पे खड़ा हुआ है तो हमारे टावर के साथ जो है ना इसका रब्ता होगा, जैसे स्टेशनों के एक रेंज से निकलता है तो दूसरे की रेंज में दाखिल हो जाता है। ये जहाँ भी आप बात करना चाहेंगे हर लम्हे आप किसी से बात कर, ऑटो कनेक्ट होगा, ऑटो कनेक्ट होगा। और ये फ्रीक्वेंसी सर UHF है। सही है। अच्छा इकबाल साहब, मुझे HGMU का जो कंप्यूटर है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि जब ये 85 में आए थे उस वक्त इसमें ये इलेक्ट्रोमोटिव का जो कंप्यूटर था वो मौजूद था या बाद में हम लोगों ने लगाया? ये इलेक्ट्रोमोटिव का जो कंप्यूटर है ये लगाया 2014 में जब ये रीहैबिलिटेट हुए। पहले नहीं था, पहले सिंपल था, लाइक GMU-30 और HGMU-30 सेम ही थे। अब इसमें जो है वो कंप्यूटर EM-2000 के नाम से ये लगा है, इसका मॉडल है EM-2000। इस वक्त जो स्टार्टिंग है पहले मैनुअल होती थी, अब ये सेल्फ स्टार्ट होता है और इसके अंदर तमाम चीज़ें आपके टेस्ट जो है ना पास होते हैं तो फिर आगे गाड़ी चलती है। तमाम चीज़ें जो इसको, चाहे आप ब्रेक लगा रहे हों, चाहे आप फ्यूल प्रेशर हो, जो भी हो, तमाम का तमाम ये है। नंबर दो, इसके अंदर फ़ायदा ये है कि आप तमाम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं इसके अंदर और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं तमाम EM-2000 के अंदर। और इकबाल साहब, जो लोकोमोटिव है वो आपको पता है गर्मी सर्दी दोनों में वो लंबी रनिंग करते हैं और ड्राइवर की जो
सेफ्टी है या उसके आराम का ख्याल भी लोकोमोटिव में रखा जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें एयर कंडीशनिंग है HGMU 30 में या कैसे इसको कर रहे होते हैं? जनाब इसके अंदर एयर कंडीशन लगाया गया है और ये बहुत ही जदीद एयर कंडीशन है और इसकी कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है और ये आप देख रहे हैं कि जनाब हर लिहाज से जो है ना, और ये तकरीबन 6 साल हो गए हैं इनको आए हुए और अभी तक बेहतरीन इनकी ओवरऑलिंग वगैरह करते हैं हम एयरली बेसिस पे और ये बहुत ही अच्छा इनका आउटपुट है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट है अभी तक। मकसद ड्राइवर जो है वो आराम से इसमें ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा है। इस वक्त जितने हमारे पाकिस्तान रेलवे में एसी लगे हुए हैं इंक्लूडिंग GU, ये उनसे सबसे बेहतरीन है एसी, सबसे बेहतरीन एसी HGMU में। जी। अच्छा इकबाल साहब, ये सामने जो व्हील लगा हुआ है स्टेयरिंग टाइप का, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि ये क्या चीज़ है? जनाब ये हैंड ब्रेक होता है, जब लोकोमोटिव अकेला मैनुअली उसको अगर आपने खड़ा करना हो तो इसको जो है ना वो आपने ऐसे घुमाना, राइट साइड क्लॉक वाइज घुमाना है तो इस पर जो है ना ब्रेकिंग जो है ना वो अप्लाई हो जाएगी लोकोमोटिव को, जैसे हैंड ब्रेक होता है ये ब्रेकिंग सिस्टम है उसका कोई खास प्रेशर है घुमाने का? तो दो बार तक प्रेशर हो तो फिर ये काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं, नहीं। ताकि पिस्टन को जो है ना रोक के रखेगा ताकि उसको दोबारा अंदर ना जाने दे, क्योंकि एक टाइम आता है तक 50 से 55 मिनट के बाद आपका प्रेशर जो है ना तमाम का तमाम ड्रॉप हो जाता है, तो अगर ग्रेडियंट सेक्शन हो तो ज़ाहिर रोल ब्रेक हो जाएगा वो, इसलिए हैंड ब्रेक लगाया जाता है। और ये जिम्मेदारी सर किसकी है? ये फायरमैन की जिम्मेदारी है, जो असिस्टेंट ड्राइवर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। दूसरा ये जो इमरजेंसी ब्रेक है, अल्लाह ना करे कोई ड्राइवर सामने फील करता है कि अगर कोई सामने इमरजेंसी आ रही है तो फायरमैन जो है ना फौरी तौर पे इसको क्लिक कर देगा बाहर की। अच्छा, ये इमरजेंसी ब्रेक, ये इमरजेंसी ब्रेक है और यहाँ से जो है सारा प्रेशर अंदर चला जाएगा और ना गाड़ी ब्रेक इमीडिएटली रुक जाएगी। अच्छा तो सॉरी, एक चीज़ मुझे सर कंफ्यूज हो रही है, ये इमरजेंसी ब्रेक है, ये जो हैंडल नजर आ रहा है तो ये व्हील क्या है? हैंड ब्रेक है जब लोकोमोटिव अलहदा हो, यानी कि अकेला वर्किंग, जैसे इस वक्त खड़ा हुआ है, अकेला खड़ा हुआ है, सही है, तो उस वक्त अगर इसको रोकना है और इंजन बंद हो गया है, लोकोमोटिव बंद हो गया, ब्रेक ज़ाहिर 55 मिनट के बाद जो है ना वो सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा इसका, तो वो अगर पार्किंग आपने जा रहे हैं तो पार्किंग करते हुए जाए इसको, सही है, बंद करते हुए। और ये ट्रेन चलने के अंदर जो है ना वो उसकी इमरजेंसी ब्रेक है कि जब आपका कोई सामने देखे कि अचानक कोई चीज़ टूटी हुई नजर आ रही है, सिग्नल रेड है या कुछ चीज़ है, तो उस वक्त जो है ना फायरमैन यहाँ से करेगा, ड्राइवर के पास अलग इमरजेंसी ब्रेक है। समझ गए सर। अच्छा इकबाल साहब, ये जो लगे हुए हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स और ये ब्रेकर्स वगैरह, ये किस काम के लिए हैं? ये तमाम जो है ना कंसर्न ब्रेकर हैं, मिसाल के तौर आपने हीटर ऑन करना है, आपने बैक लाइट्स वगैरह का जो मेन स्विचेस होते हैं ना, ऑक्सिलरी स्विचेस तो यहाँ सामने लगे हुए हैं कंसोल के ऊपर, पर जो मेन उसके ब्रेकर्स हैं वहाँ स्विचेज हैं या ब्रेकर्स हैं उसके कंसर्न जो ब्रेकर्स हैं वो कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा ये बैटरी स्विच होता है, जब भी इंजन को शट डाउन करना है आफ्टर 30 मिनट्स जो है ना इसको ब्रेकर बैटरी स्विच को ऑफ कर देना है ताकि बैटरी आपकी ज़ाया ना हो, डिस्चार्ज ना हो, और ये कंसर्न तमाम के अंदर जो है ना लिखे हुए हैं कि कौन सा किस चीज़ का, ये हॉट प्लेट का है, ये तमाम जो है ना इसके अंदर लिखे हुए हैं। ये ब्रेकर्स हैं आपके स्विचेस से, ये ब्रेकर्स के ऊपर आता है, फिर यहाँ से उसकी जो है ना पीछे सप्लाई जाती है इलेक्ट्रिकल कंपार्टमेंट के अंदर तमाम। और सर ये जो ऊपर लगे हुए हैं ये तमाम इमरजेंसी शट डाउन करना है तो फौरन इसको दबा दें आप, फ्यूल की सप्लाई कट जाएगी और आपका जो है ना वो इंजन बंद हो जाएगा और ब्रेक्स भी लग जाएंगे। ब्रेक नहीं लगा वो इस पे उसका ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक नहीं है, वो सोचो आपका वहाँ से ताल्लुक है, सही है। ये स्पीड लिमिट है इसका, अगर आपने जो है ना वैक्यूम पे वर्क करना है तो आपने जो है ना 65 पे 80cc कौन सी ट्रेन है और 105 वाली पे मकसद किस ट्रेन के साथ वर्किंग है उसके ऊपर आपको एडजस्ट करेंगे इसको, जैसे GU40 में आपका इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट है, इसके अंदर आपका मैनुअली एडजस्टमेंट है। सही हो गया सर। ताकि स्पीड को जो है फिर उससे ज़्यादा जैसे ही जाएगी तो इसको आपको नो पावर करा देगा और ब्रेक्स लग जाएंगे। सही है। इकबाल साहब इसे थोड़ा मैं नॉचअप करके दिखाएं इसका साउंड के लिए। एक नाच से लेकर, ये नाच लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको? हाँ जी। इससे लेकर 8 नाच तक होता है ये। सही है। ये इस तरह जो है ना फिर ये ब्रेक लग गई, यहाँ से ब्रेक लग गई है। और अगर सर हम इसको आइडल के ऊपर नॉच अप करें तो वो पॉसिबल है अभी थोड़ा सा नॉच अप करना उसका आइडल पे ही? नहीं, लेकिन इसको अभी अगर हम नॉच अप करते हैं इसको, ये अभी 8 नॉच के ऊपर है। 8 नॉच।
शुक्रिया इकबाल साहब, आपने 8 नॉच तक आइडल पे हमें इसको नॉच अप करके दिखाया। गाइस अभी आप HGMU 30 का जो है वो रिव्यू देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि HGMU 30 जो है पाकिस्तान का जो बेस्ट लोकोमोटिव्स है उनमें इसका शुमार होता है। और HGMU 30 मेरा भी जो है वो फेवरेट लोकोमोटिव है, तो स्पेशली मैं आपको आज कराची लोकोमोटिव शेड में HGMU 30 के रिव्यू के लिए लेके आया हूँ। आई होप कि आपको इसका रिव्यू जो है वो पसंद आएगा। तो आगे मज़ीद भी मालूमात लेते हैं हम सर इकबाल साहब से, प्लीज़ स्टे विद अस। अच्छा इकबाल साहब, अभी जो HGMU 30 हैं वो टोटल कितने हैं वर्किंग में? ये 1985 में जब ये आए थे तो 30 लोकोमोटिव्स परचेज किए थे पाकिस्तान रेलवे ने। उसके बाद 3 लोकोमोटिव 82-1, 82-27, 82-30 परमानेंट कट ऑफ हो चुके हैं, और नाव मतलब हम 27 लोकोमोटिव हमारे पास हैं, चल रहे हैं 27 लोकोमोटिव पे। इस वक्त 6 लोकोमोटिव एक्सीडेंटल लोकोमोटिव हैं जो कि मुगलपुरा वर्कशॉप में रिपेयर हो रहे हैं, तो जल्द ही हमारी फ्लीट में शामिल हो जाएंगे। एट प्रेजेंट हमारे पास 21 लोकोमोटिव जो है ना इन गुड ऑर्डर है, जो वर्किंग में है। सही है। तो सर इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी है, ज़ाहिर है 1985 से लेकर अभी तक ये चल रहे हैं, और आफ्टर रिहैबिलिटेशन तो इनकी लाइफ भी बढ़ गई है, एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया गया है। और देखा जाए तो ये जो नए लोकोमोटिव्स हैं जो जदीद हैं उनसे मतलब कंपटीशन कर सकता है, इस वक्त कंपीट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता। सर एक चीज़ और बता दें, सॉरी टू कट यू, आफ्टर रिहैबिलिटेशन जब इसको दोबारा तैयार किया गया था 2014-15 में, तो ये लोड टेस्ट पे अंदाजन इसने कितने हॉर्स पावर जनरेट किया? 2500 हमारे इस वक्त भी जो है ना एट प्रेजेंट आफ्टर पास्ट ऑफ 6 ईयर्स ये इस वक्त जो है ना 3100-3200 हॉर्स पावर इनके आते हैं। 3100-3200 हॉर्स पावर सही है, जनरेट कर रहे हैं ये? बिल्कुल जनरेट कर रहे हैं। सही है। अच्छा इसके अलावा मैं क्वालिफाई नहीं करते उसको, उसके अलावा क्वालिफाई नहीं करते? सही है। तो एक चीज़ सर और बताएँ कि अगर HGMU 30 और AG 30 का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो आपके ख्याल में कौन सा है बेस्ट लोकोमोटिव? AG 30 और अगर वैसे करते हैं मार्क्स के हिसाब से मतलब कंपटीशन के हिसाब से AG 30 भी ब्लू टाइगर बहुत अच्छे लोकोमोटिव्स हैं, पर देखा जाए कि पुराने और जो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ नई जिद्दत इन्होंने बनाई है रिहैबिलिटेशन के अंदर, ये AG 30 से आगे है। उसकी वजह ये है, आप जो कह रहे हैं HGMU 30 AG 30 से आगे है? आगे है इस लिहाज से कि इसमें जदीद कंप्यूटर लगा हुआ है EM 2000, जबकि AG 30 में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और हालांकि वो 96-98 मॉडल है, 98 के मॉडल है। दरअसल ये बेसिकली तो EMD कंपनी और आपकी जो जनरल इलेक्ट्रिक है दोनों ही अच्छी कम्पीट करती हैं एक दूसरे को। बाकी जो यहाँ पर मैं कराची जो बेस लोकोमोटिव है ना उनमें लोग ट्रेंड भी GM को है, और GM उनको इसलिए लगता है, लेकिन जिस चीज़ की मेंटेनेंस आसान होगी ना वो आपका अच्छा मेंटेन होगा, बजाय इसके कि इतनी पाकिस्तान में जदीद मशीनरी नहीं है कि आप उसको किसी ऐसे स्टैंड पे खड़ा किया जाए जो हर वो, तो सारे हमारे मैक्सिमम मैनुअली चेकिंग होती है, मैनुअली चेकिंग इसकी बहुत ही आसान है। सही है। मकसद ये जो है यूज़र फ्रेंडली लोकोमोटिव है। बिल्कुल। अच्छा सर लास्ट सवाल मैं आपसे HGMU 30 के हवाले से करूँगा कि अगर आपको इसमें इसको 10 में से मार्क्स देने हों परफॉर्मेंस वाइज तो कितने देंगे? अगर इसको खाना पूरा दिया जाए तो 10 में से 10 मार्क्स हैं इसके। 10 में से 10। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों ये था HGMU 30 का रिव्यू। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसमें जितनी भी मालूमात मैं आपको EMD हैंशल लोकोमोटिव की दे सकूं वो दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप कराची लोकोमोटिव शेड की वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोकोमोटिव शेड का जो वर्किंग प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।